हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ, ये गाजर है, प्याज, ये मिर्च है, ये बड़े वाले जो मिर्च आते हैं ना, जो कम तीखे होते हैं वो है, इसे मैंने इस तरह से काट लिए हैं। और ये एक मीडियम साइज का आलू है, और ये 3 से 4 गाजर हैं, इसे भी मैंने पतले पतले करके स्लाइस काट लिए हैं इस तरह से। और ये 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं। तो आज मैं इसकी बिल्कुल सूखी सब्जी बनाऊंगी, एकदम टेस्टी बनती है सब्जी। आप इसे चाहे रोटी के साथ खाइए या पराठे के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है ये। गाजर की सब्जी तो बहुत ही टेस्टी लगती है, मीठी मीठी सब्जी अच्छी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने कढ़ाई रख दिया है गैस पे। इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिए हैं। तेल हमारे गर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसमें तड़का डालेंगे। तो दोस्तों, तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं 1/2 चम्मच जीरा डाल दूंगी। जीरा हमारा लाल हो गया, इसमें मैं प्याज डाल दूंगी। तो दोस्तों, प्याज हमने डाल दिए, प्याज को हमें ज़्यादा नहीं करना है, हमें हल्का गुलाबी रखना है प्याज। इसी तरह हम चलाते रहेंगे इसे। तो देखिए दोस्तों, प्याज हमारा हल्का गुलाबी हो गया है, तब इसमें मैं मिर्च डाल तो देखिए दोस्तों, इसमें मैंने मिर्च डाल दिया है। अभी चलिए हम अच्छे से सौते कर लेंगे। तो दोस्तों, अब इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच ये मसाला डाल दूँगी। इस मसाले में मैंने लहसुन, अदरक, मिर्च और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला है, तो इसका मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया है। इसे भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे इसे। तो दोस्तों, मसाला हमारा हो चुका है, तो अब इसमें मैं टमाटर डाल दूंगी जो मैंने काट के रख रखा है। तो भी अच्छे से सौते कर लेंगे। तो दोस्तों, टमाटर हमारे अच्छे से सौते हो चुके हैं। अब इसमें ये देखिए, मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है और 1 चम्मच हल्दी है, तो इसे भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, इन सभी को हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं ये गाजर और ये आलू डाल दूंगी। तो अभी से हमें अच्छे से मिला लेंगे, भून लेंगे अच्छे से सब्जी को इसको। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो देख सकते हैं दोस्तों, सब्जी हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, इसे मैंने अच्छे से भून लिया है। तो इसमें अब मैं 1 कटोरी पानी डाल दूंगी। तो दोस्तों, ये मैंने 1 कटोरी पानी लिया है, ये डाल दूंगी। मैं सूखी सब्जी बनाऊंगी इसलिए मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी, इतना ही पानी डालूंगी कि यह सब्जी हमारी पक जाए। तो अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसमें मैं ये देखिए, मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, अब इसे हम ढक के रख देंगे, सब्जी हमारी पक जाएगी। तो फिर हम आपको दिखाते हैं किस तरह से बनी है।
तो दोस्तों देख सकते हैं सब्जी हमारी पक के तैयार हो चुकी है बिल्कुल। तो अब हम चलते हैं सर्व कर लेते हैं इसे। तो देखिए दोस्तों ये सब्जी हमने सर्व कर लिया है कटोरी में। देखिए कितनी देखने में कितना अच्छा लग रहा है ये। इसमें मैंने हरी धनिया भी डाल दिया है। तो ये गाजर आलू और मिर्च की हमारी सब्जी है ये। और ये मैंने देखिए पराठे भी बना लिए हैं, तो मैं इसी के साथ में खाऊंगी। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है ये गाजर की सब्जी। आप लोग ट्राई करिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।